अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तैयार हैं? चलें देखते हैं। फैक्टर्स, फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे होल नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दें और कोई भी रिमाइंडर बाकी ना बचता हो, तो वो तमाम के तमाम होल नंबर्स हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं। तो फैक्टर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द होल नंबर्स दैट कैन इवनली डिवाइड एन अदर नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स। ऑफ दैट नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी 12 एक नंबर है। अब कोई ऐसा नंबर फाइंड करें जो इसको 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि वो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे? तो 1 को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, मैं कहता हूं 12 को 1 के अलावा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करे उसको किसी दूसरे नंबर के साथ, तो वो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो दैट इज 2 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा पूरा नंबर जो है वो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड कर देता है। 3 है, 3 को अब मैं इसी तरीके से 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। अदर देन दीज 3 नंबर्स, जिनको इन 3 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इन नंबर्स को 1 को 2, 3, 4, 6 एंड 12, इन 6 नंबर्स को 12 का फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे नंबर जो हैं सारे नंबर्स ये 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं और इनमें कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचता। इसीलिए 12 के फैक्टर्स जो हैं वो है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जब हम दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उस नंबर को मल्टीपल बोलते हैं। तो मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है? मल्टीपल्स आर द होल नंबर्स दैट रिजल्ट्स when we multiply one whole number with an other whole number। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर बिलो, 3 के पहले 4 मल्टीपल्स। फॉर एग्जाम्पल 3 को मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आता है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 आता है। अब 3 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, इन दो होल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें जो नंबर आया है उसको मल्टीपल बोलते हैं।
ये वो नंबर्स हैं 3, 6 और 9 जिनको जब ये दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये नंबर्स हमें हासिल होते हैं, तो इन नंबर्स को हम मल्टीपल्स बोलते हैं। इसी तरीके से सारी एग्जांपल्स हैं, टेबल्स जो हैं आप उनको देखने तो वो मल्टीप्लाई, मतलब जो भी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन के जो भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें नंबर हासिल होगा उसको हम मल्टीपल बोलेंगे। इसके बाद है जी फैक्टर पेयर क्या होता है। फैक्टर्स पेयर, कोई से दो होल नंबर्स जिनको हम कोई स्पेसिफिक या कोई सर्टन नंबर हासिल करने के लिए जब उन दोनों होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दो स्पेसिफिक नंबर्स जो सर्टन नंबर हमने हासिल करना है उसका फैक्टर पेयर कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है जी, टू होल नंबर्स दैट we multiply together to get the certain number, to get a certain number is called फैक्टर पेयर। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी एग्जांपल कुछ यूं है, 15 है, मैं कहता हूं कि कोई से दो नंबर आप देखें जो उन दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 15 बन जाए, तो अगर मैं 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मेरा आंसर 15 आता है, अगर मैं 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं फिर भी 15 आता है। तो ये जो दो नंबर्स हैं 1 और 5 ये दोनों फैक्टर पेयर कहलाते हैं। इसी तरह 3 और 5 भी फैक्टर पेयर कहलाते हैं। ठीक है जी। जी तो मेरे कॉम के नौजवानों, आज हमने देखा फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर पेयर क्या होता है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए YouTube पर और Google पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह निगेबान।